नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अखिल जांगड़ोर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रावेश गुप्ता और आज हमारी क्रिकेट टॉक का 7वां एपिसोड है। पहले सबसे पहले हम इस एपिसोड में बात करेंगे कल के 58वें मैच की, जिसमें दिल्ली ने राजस्थान को करारी हार दी है। तो रावेश, क्या लगता है कि कल राजस्थान और दिल्ली के मैच में राजस्थान की हार का कारण क्या रहा? राजस्थान के हार के देखिए काफी सारे कारण रहे। एक तो जॉस बटलर की खराब फॉर्म जी, शुरुआत में अच्छे रन बनाए, ऐसा लग रहा था इस सीजन में बहुत अच्छे रन बनाएंगे, हो सकता है विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन पिछले कुछ 4-5 मैच से वो अच्छे रन नहीं बना पा रहे, 20-25-30 रन बना रहे हैं और कल के मैच में मात्र 7 रन बनाए, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने बल्लेबाजी कम के साथ छेड़छाड़ की। जी बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करना राजस्थान को कल भारी पड़ा। राजस्थान रणमाकुरे इस मैच को हारे, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन था संजू सैमसन का बैटिंग क्रम को छेड़ना, खुद फिनिशर की भूमिका निभानी है लेकिन वो अच्छे से निभा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और उसके बाद जो राजस्थान की पारी को संभाला, वो एक तो अश्विन और पड्डीकल ने बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थान की पारी को संभाला। अश्विन और पड्डीकल ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, इनिंग को अच्छे से एंकर किया था। कल मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि अश्विन अगर तीसरे स्थान पर उतरते हैं तो इतना अच्छा गेम खेल सकते हैं टी20 में। उन्होंने कल 50 लगाया, उनका मेडन 50 थी टी20 आईपीएल की है। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल ने एक अच्छा फॉर्म दिखाया, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों की ही अच्छे रनों की वजह से राजस्थान एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो ऑस्ट्रेलिया स्टार्स हैं उनकी बदौलत कल दिल्ली ने एक अच्छा मैच जीता। जैसे कि मिशेल मार्श ने 89 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए, तो उनकी धुआंधार पारी बहुत ही अच्छी रही कल के मैच में। देखिए अगर दूसरी पारी की बात करें तो शुरुआत में पहले ओवर में ही दिल्ली का पहला विकेट गिरा था, शिखर भरत 0 रन पे आउट हो गए थे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, वहां से लगा था कि शायद हो सकता है जैसा पिछले कुछ मैचों में होता हुआ आ रहा है, दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हो रही है। कल वो मिथक टूटा है, 5 मैचों के बाद कल वो स्ट्रिक टूटी है, लेकिन शुरू में लगा शायद आज भी कुछ ऐसा होने वाला है और दिल्ली भी ऑल आउट होगी या शायद मैच को हारेगी। लेकिन मिशेल मार्श और डेविड वार्नर ने जो कल पारी खेली है, जिस तरीके से उन दोनों ने गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई हैं, दूसरे विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ी साझेदारी है जो कल डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने करके दिखाया और दिल्ली को जीत की वो स्वाद चखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जब बात करें कल के मैच की, तो उसमें ये लगता था कि संजू सैमसन जो एक फिनिशर की भूमिका में रहते हैं, तो उनका बैटिंग क्रम में छेड़छाड़ करना वास्तव में उनको भारी तो पड़ा ही। साथ में दिल्ली है वो 5वें नंबर पे है और राजस्थान 3रे नंबर पे है। तो क्या लगता है कि दिल्ली राजस्थान, अगर मान लो कि आगे इनका मैच होता है, तो क्या राजस्थान दिल्ली को हरा पाएगी? अगर इस बारे में बात करना चाहे अमन, देखिए वो तो आने वाला गेम ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के इस मैच को जीतने से चिंता बड़ी होगी आरसीबी की, क्योंकि आरसीबी 4थे स्थान पर, अगर इनकी नेट रन रेट अच्छी हो जाती है और आने वाले मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए सारे गेम मस्ट विन हो जाएंगे। तो जो होता है ना, हर बार से हम देखते हैं आरसीबी शुरुआत अच्छा करती है लेकिन एंड में चोक कर जाती है, इस बार वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आरसीबी अच्छा खेलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला आरसीबी और डीसी के बीच रहेगा प्लेऑफ के लिए। राजस्थान के लिए अभी डगर आसान है। ये तो हुआ कल का मैच, और अब जैसे कि आज का मैच है 59वां सीएसके और मुंबई के बीच में, तो आज सीएसके के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आएगी कि जो उनके तारनहार है जडेजा, वो बाहर हो गए हैं आईपीएल से, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो भी सकती हैं। और तो क्या लगता है, क्योंकि मुंबई इस बार सबसे नीचे है, पायदान उसका सबसे नीचे है, तो क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी? देखिए आज का जो मुकाबला है वो इतना बड़ा मुकाबला है, आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल 2 टीमों का मुकाबला है, जो कि इस आईपीएल में सबसे सफल 2 टीमें हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्थान पर हैं। कहीं ना कहीं कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी उससे पॉइंट टेबल में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन इन तीन दोनों टीमों का मुकाबला, फैंस को इन मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहता है। बिल्कुल सही बात है। आज के मुकाबले मुझे लगता नहीं जडेजा के चोटिल होने का कुछ खास फर्क धोनी की टीम पे पड़ेगा, क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया नहीं है इस सीजन में उन्होंने, क्योंकि जिस हिसाब से उन पे पैसे लगे थे तो उसका अभी तक कोई मायना नहीं निकला और वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो सीएसके और मुंबई के बीच में काफी मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुंबई ने सीएसके को 19 बार हराया है और सीएसके ने सिर्फ 14 बार उसको मात दी है। तो क्या लगता है कि अभी आज के में सीएसके मुंबई को मात दे पाएगी दोबारा से, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है, फैंस को भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। देखिए मुझे उम्मीद ये है कि रोहित शर्मा वापसी करेंगे और निगाहें मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा पर और जसप्रीत बुमराह पर रही होंगी, जिस तरह की गेंदबाजी बुमराह करके आए हैं, कहीं ना कहीं 5 विकेट लेके आए हैं, अपना करियर बेस्ट परफॉर्म किया है उन्होंने आईपीएल में, तो और उधर दूसरी तरफ निगाहें महेंद्र सिंह धोनी की टीम पर भी रहेंगी। ऋतुराज गायकवाड़ कितना अच्छा खेलते हैं, अमदी रायडू कितना अच्छा गेम खेलते हैं, ये दोनों रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही एक दूसरे की टीमों को अच्छे से समझते हैं और बहुत ही अच्छे कप्तान हैं,
तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। किसी का भी पलड़ा हम भारी नहीं कह सकते, दोनों बिल्कुल पलड़ा किसी का भारी नहीं है, सेम तराजू। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएसके जीतेगी या मुंबई जीतेगी। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अगले प्रेडिक्शन के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।